दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने इमेज क्लास के बारे में वीडियो बनाया था। इमेज क्लास क्या है, इमेज क्लास को इंस्टॉल कैसे करें, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इमेज क्लास का डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसके फंक्शंस क्या है और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसका वीडियो हमने व्हाट इज इमेज क्लास एंड हाउ टू इंस्टॉल इमेज क्लास बनाया है, आपको इसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इमेज क्लास के फंक्शंस क्या है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। यहाँ से इमेज क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन रखा हुआ है। इमेज क्लास स्टार्ट होने के बाद में आपके सामने डिफॉल्ट लुक इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ एक ही इमेज है। इसको समझने के लिए हम ज़्यादा इमेज ओपन कर लेते हैं, पहले इसे हम क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज फोल्डर है, यहाँ पे हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारी इमेज है, ये इमेज हम ओपन विथ करके इमेज क्लास में ओपन करते हैं। अब देखिए इमेज क्लास में ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने दिख रहा है। ये हमारा इमेज क्लास जो व्यू है वो यहाँ से इमेज आपको दिखाता है। अब वन बाय वन देखेंगे, ये हमारा लेफ्ट एरो पेज और पेज डाउन से इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इस तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी इमेज होगी वहाँ पे शो करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इधर के साइड में जो भी इमेज है वो शो करेंगे। इधर करेंगे तो ये पीछे आगे पीछे यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम साइज़ को जो इमेज है इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए एकदम रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से सीधा हो जाएगा। यहाँ से वर्टिकल भी हम फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इमेज को क्रॉप करना हो तो यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्स वाई विड्थ हाइट देनी पड़ेगी और सेव करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑटो जूम है, इसको हम ऑटो जूम रहने देते हैं, ये ऑटोमेटिकली जूम होगा। उसके बाद में यहाँ से जूम लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे स्केल है, यहाँ से हम इसको स्केल को विड्थ को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्केल टू हाइट है, यहाँ से हम स्केल टू हाइट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाजू में स्केल टू फिट है, यहाँ से स्केल को फिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक है फिल करके, ये एक ऑप्शन है, उसके बाद में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे ओपन फाइल जो ऑप्शन है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमें जो फाइल्स चाहिए यहाँ से हम इसे ओपन कर सकते हैं। ध्यान सेक्शन चाहिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ये ओपन होती है, इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। उसके बाद में विंडो फिट है। अब ये देखिए विंडो फिट क्या है, हमने विंडो फिट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ी विंडो है, ये छोटी इमेज है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो सर्कल है ये ऑटोमेटिकली साइज़ के अनुसार बढ़ रहा है घट रहा है, फिक्स नहीं रह रहा है। ठीक है, मैं इमेज चेंज करूँ ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है घट रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब मैं इमेज चेंज करूँगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली फिट रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पे फुल स्क्रीन है, ये ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब इसके बाहर निकलने के लिए आपको F11 दबाना पड़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको थंबनेल पैनल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी इमेज है उस फोल्डर में से सिलेक्ट की यहाँ पे आपको नीचे शो करेगी थंबनेल पैनल में। उसके बाद में यहाँ पे आपको चेकबोर्ड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको चेकबोर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चेकबोर्ड ऑप्शन एनेबल होगा, नहीं करेंगे तो छोड़ देगा। ठीक, तो ये सब कुछ ऊपर का टाइटल बार है, हम इसे विस्तार से और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेनू में है फाइल मेनू, यहाँ से फाइल में जाएंगे तो ओपन फाइल होगा, ओपन इमेज डाटा फ्रॉम क्लिपबोर्ड से जाएंगे तो यहाँ पे ओपन होगा, क्लिपबोर्ड वाला जब कॉपी रहेगा आपका तो ओपन विंडो होगा, तो यहाँ से न्यू विंडो भी देख सकते हैं। न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से न्यू विंडो ओपन होगी। उसके बाद में यहाँ पे फाइल में जाते हैं, हमारे जैसे एक्सेल वर्ड में जो ऑप्शन होते वही आप ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, सेव इमेज, सेव इमेज एज, एडिट इमेज, एडिट इमेज में क्लिक करने के बाद में आपका जो भी अलोकेटेड एप्लीकेशन रहेगा वहाँ पे बैकग्राउंड में वो इमेज ओपन हो जाएगी। जैसे मेरे केस में पेंट है, पेंट ओपन होगा। उसके बाद में हम ये न्यू इमेज है, यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं, सेव या एडिट हो गया प्रिंट, यहाँ से कमांड भी दे सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं और रीलोड इमेज लिस्ट भी कर सकते हैं। ये फाइल का हो गया, यहाँ से हम नेविगेशन कर सकते हैं, और व्यू नेक्स्ट, ये जो ऑप्शन है हमने ये देखे यही ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ से गो टू भी कर सकते हैं। गो टू दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गो टू करूँगा और मुझे 5 नंबर की इमेज पे जाना है तो मैं 5 कर दूँगा, ओके करूँगी, 5 नंबर का मेरा इमेज है यहाँ पे। मैं फिर से यहाँ पे शॉर्टकट भी कमांड है, जी दबाऊंगा, यहाँ से 1 दूंगा, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। शॉर्टकट कमांड के लिए आप ध्यान रखें जी है, यहाँ पे 5 दबाऊंगा कीबोर्ड से आपको जी दबाना है सिर्फ। उसके बाद में यहाँ पे नेविगेशन में आने के बाद में यहाँ पे व्यू नेक्स्ट पेज, यहाँ पे कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, ये सब शॉर्टकट बटन से, और यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जूम ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट, कस्टम, एक्चुअल साइज, लॉक रेशियो, ये सब यहाँ पे आपको मिलता है, यही ऊपर के मैंने जो आपको बताए थे। क्लिपबोर्ड भी है, कॉपी इमेज डाटा कंट्रोल सी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी से वो कॉपी हो जाएगी और यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं, कॉपी इमेज पाथ भी कर सकते हैं कंट्रोल एल से, और क्लिप जो क्लियर है वो कंट्रोल प्लस दबा के कीबोर्ड को भी कॉपी, जो कॉपी किया वो निकाल भी सकते हैं। यहाँ से विंडो को फिट कर सकते हैं, ये देखिए अब मैं चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी, लेकिन हमें
यहाँ से हम विंडोज फीड को यहाँ पे क्लिक किया, हमने इसे अनचेक कर देते हैं। अब देखिए इमेज कितनी भी छोटी हो वो चेंज नहीं होगी। देखिए इमेज ये जो है ना, ये इमेज है, ये छोटी छोटी इमेज है, ये फ़ोन का इमेज छोटा है, ये बड़े का इमेज छोटा है। अभी देखिए बड़ा इमेज होगा, बड़ी होगी। तो इस प्रकार आपका एक्शन होता है। फ्रेम वैसे की वैसी रही। अब फ्रेमलेस देख लेते हैं। फ्रेमलेस में देखिए यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं, ऊपर का टाइटल बार चला गया है। यहाँ से फिर से हम इसे फ्रेमलेस में करते थे और पॉडर आ गए। फुल स्क्रीन के लिए F11 है, फिर से इसे बाहर निकलना है तो F11 दबा देंगे। यहाँ पे स्लाइड शो है, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, आप स्लाइड शो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे स्लाइड शो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आपका 5 सेकंड का होता है, ये 5 सेकंड की इमेज है, ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अभी इसको जो स्लाइड शो इसको चेंज करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे वो भी देखिए, वो भी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे लेआउट है, स्लाइड शो में जो आपको बताया था, तो यहाँ से स्केच से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद में ये लेआउट है, लेआउट में टूल बार है ऊपर का, ये देखिए चला गया। अब इसे फिर से लाना है तो आपको राइट क्लिक करना है, टूल बार टी पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर से थंबनेल पैनल है, थंबनेल पैनल पे क्लिक करके तो मुझे थंबनेल पैनल दिखाई देगा। इसके बाद में आपको चेक बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको बैकग्राउंड इमेज में मिलेगा, ये देखिए यहाँ से आपको मिलता है। इसके बाद में आपको ये ऑलवेज टॉप पे रखना है या नहीं रखना है, यहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे आप कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए और यहाँ से इस इमेज में आपको कोई कलर पसंद आया, उसका कलर का क्या है वो नंबर नहीं पता है, तो आप कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे यहाँ कर्सर रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कलर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे तो यहाँ पर कलर बता देगा, यहाँ पे हरे पे रखते हैं, यहाँ पे हरा आ गए, यहाँ पे रखते हैं यहाँ आ गए। तो इस प्रकार आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको पता चलेगा आपका कलर नंबर क्या है। उसके बाद में टूल्स है, यहाँ से आप कॉपिंग भी कर सकते हैं, पैन नेविगेशन, पेज नेविगेशन कर सकते हैं और टूल में से एग्जिट भी हो सकते हैं। अब ये हेल्प है और यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। अब हम सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। सेटिंग में यहाँ पे जनरल, इमेज एडिट, फाइल टाइप, टूल बार और टूल्स, कीबोर्ड, थीम, इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। इसको हम देखेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं और आने वाली वीडियो में इसको आपको एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चैनल पे कोई भी वीडियो पब्लिश हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।